राजधानी पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र होटल अमन शराबबंदी के कानून की धज्जियां उड़ाने और कमरे में शराब की पार्टी करने के गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन युवकों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये लोग होटल में शराब की पार्टी कर रहे थे। पुलिस ने मौके से खाली पड़े शराब की बोतलें को भी जब्त कर लिया है। वही होटल के कर्मियों से भी पूछताछ की जा रही है। गुप्त सूचना मिली हुई थी हमें कि यहाँ पे लोग शराब लेकर आए होंगे, तो वही मौके पर पुलिस पहुंची है। उन्होंने कंडक्टेड रेड, अभी मैसेज काफी क्लियर है कि शराब के लिए गवर्नमेंट फॉलो द पॉलिसी ऑफ जीरो टॉलरेंस, तो सारे लोगों को इसे कम्प्लाई करना चाहिए। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। और भी इन्फॉर्मेशन आ रही है, कहीं भी आती है, तो वी आर टेकिंग एक्शन, चाहे डिलीवरी से भी इन्फॉर्मेशन आ रही है, टू बी विद यू इट्स कमिंग हियर देन आल्सो नोबडी इज बैड। सो मैसेज लाउड एंड क्लियर दैट वी आर सेइंग दैट वी विल स्टॉप दिस, देयर इज नो नॉनसेंस, जीरो टॉलरेंस। कितने की गिरफ्तारी हुई है? एक बड़ी कार्रवाई कर रही है, इलाज देखना होगा मैडम। लेटर अपडेट करेंगे थोड़ी देर में। कितने लोग हैं? काफी सारे लोग हैं, दो कमरों में हैं, बॉटल्स। सबका मेडिकल चेकअप कराया? हाँ जी, सबका जितना ब्रेथ एनालाइजर। ये लोग यहाँ किस पर्पस से आए? शादी वगैरह की बातें बोल रहे हैं, बट उसकी पुष्टि भी कराई जाएगी किस वजह से आए, क्या है, इनका रिकॉर्ड वगैरह सब चेक होगा। अभियान लगातार जारी रहेगा मैम। हाँ जी, तो पी रहे थे। हाँ। ये दारू है। आपका क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ आपका? दीपक। ये होटल वाला है? होटल वाला है। अच्छा, नहीं नहीं, इनसे पूछ रहे हैं। अच्छा, आपके स्टाफ चाचा के हैं? अशोक बुक किए थे लोगों ने, बुकिंग कल से। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कौमी, तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।